हेलो हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज एक और मैं नई वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये कुर्ती मैंने परचेज की है, ये एक ज्वेलरी परचेज किया है मैंने जो कि नेक पीसेस है, और एक यहाँ पे इयररिंग परचेज किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ज्वेलरी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑक्सीडाइज की नेकलेस मंगाई है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको एक गणपति की पिक्चर्स मिलेगी। यहाँ पे झुमकी है, तीन यहाँ पे झुमकी है, काफी अच्छी, काफी छोटी छोटी यहाँ पे डिजाइन्स किए हुए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये चेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे घुंघरू दिए हुए हैं। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये पेंडेंट दिया हुआ है इतना बड़ा, देख सकते हैं आप। नीचे में छोटी छोटी ऐसे झुमके दिए हुए हैं, काफी अच्छे से आप। काफी ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि काफी हैवी है, ये मैंने परचेज किया था 154 रुपीज में, और अभी इसका करंट प्राइस है 194। नेक्स्ट में शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने झुमकी परचेज की है मीशो से, काफी ब्यूटीफुल है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं, यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं, यहाँ पे छोटी छोटी झुमकीज दिए हुए हैं, छोटे छोटे पर्ल्स है यहाँ पे, मीनाकारी वर्क किया हुआ है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें पिंक डॉटेड दिए हुए फ्लावर्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ये कुर्ती है पे, ये ग्रीन कलर में है, ग्रीन एंड ब्लू कलर में है, काफी अच्छा लग रहा है। नेक पे इसके ऐसे डिजाइन देख सकते हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं इन ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में कुर्ती है। इसके जो मटेरियल है, इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन प्लस, आई थिंक कॉटन प्लस रेयन मिक्स है, ना ही ये रेयन में है, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्होंने दिया हुआ है रेयन, बट आई थिंक ये रेयन नहीं है, ये रेयन प्लस कॉटन मिक्स है। आपकी पूरी की पूरी प्लेन नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पाइपिंग में डिजाइन दिया हुआ है नेक में, ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मैंने ये किसी और के लिए परचेज किया है, डबल एक्सल साइज है इसका। इसका फ्रंट पूरा ऐसे ही आएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्रंट इसका ऐसे आएगा, देखिए फ्रंट देख सकते हैं आप, टॉप टू बॉटम पूरी तरह से सेम है। यहाँ पे आप बैक साइड भी देख सकते हैं, बैक साइड भी इसका सेम आएगा, टॉप टू बॉटम बोथ साइड इज सेम डिजाइन एंड सेम पैटर्न्स, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिला है 3/4 स्लीव मिला हुआ है। यहाँ पे इसके बॉर्डर पे भी ऐसी पाइपिंग, यहाँ पे जो नेक पे पाइपिंग दी गई है सेम वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, हाथ के बॉर्डर में मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे ये 3/4 स्लीव्स हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आई होप सो कि आपको भी पसंद आएगा। इसके साथ मुझे मिला है प्लाजो एंड दुपट्टा, ये भी सेम फैब्रिक है कॉटन प्लस रेयन, इसमें आप देख सकते हैं जिगजैग डिजाइन किया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जिगजैग का पैटर्न लिया हुआ है इसमें, ये प्लाजो है आपका, ये प्लाजो है, देख सकते हैं काफी अच्छा है। या नेक में इलास्टिक मिलेगा, आपको इसको स्टिच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने परचेज की है 675 रुपीज में, इसकी प्राइस है 675 रुपीज। ये प्लाजो है, काफी अच्छा है, ये डबल एक्सेल मैंने लिया था, इसमें आपको हर एक साइज मिल जाएगा, एक्सेल एक्स ऐसा आपको मिल जाएगा। इसमें और भी साइजेस आते हैं, आप चाहे तो एम साइज भी ले सकते हैं, एल साइज भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो ये भी काफी अच्छा है, इसकी फैब्रिक भी मुझे काफी पसंद आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ मुझे एक और दुपट्टा भी रिसीव हुआ है जो ब्लू इन कलर में है, काफी अच्छा है, काफी सॉफ्ट मटेरियल है, देख सकते हैं यहाँ पे
इसका जो फैब्रिक है काफी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर दी गई है, सेम वही पैटर्न है जो नेक में थी, देख सकते हैं यहाँ पे कुर्ती में ऐसे नेक में जो डिजाइन था और हाथ के बॉर्डर में जो डिजाइन था वही सेम डिजाइन यहाँ पे भी दिया हुआ है दुपट्टा के बॉर्डर में, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको चारों तरफ ही मिल जाएगा, दुपट्टा के चारों तरफ आपको ये मिल जाएगा। दुपट्टा के चारों तरफ आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं ये सेम पैटर्न काफी अच्छा लगा है मुझे। इसकी जो प्राइस है वो है 675 रुपीज़। यही सेम मैंने मिंत्रा में भी देखा था लेकिन उसकी प्राइस कंपेयर टू इससे काफ़ी ज़्यादा थी, तो मे भी हो सकता है कि फैब्रिक का डिफरेंस हो, अगर हुआ तो मैं मिंत्रा से भी परचेज करूँगी और आपको डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी मेरा रिव्यू कि एक्चुअली मुझे कैसा लगा है ये कंपेयर टू मिंत्रा के फैब्रिक से। कुर्ती प्लाजो सेट मैंने मीशो से परचेज किया है, यहाँ पर मैंने एक ईयर रिंग परचेज किया है और यहाँ पर एक और नेक पीस पसंद किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आई होप सो कि ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे का अगर आप इसी तरह के अलग अलग और भी वीडियोस चाहते हैं या रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो इसते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको जिसका भी रिव्यू चाहिए होगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।